एक दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार नई जनसंख्या नीति लेकर आई और अब बहस इस बात की है कि क्या एमपी सरकार ऐसा कोई मसौदा लेकर आएगी। देखिए खास रिपोर्ट। मुद्दा सही हो या गलत, इससे ना तो सियासत पर कोई असर होता है और ना ही सियासतदानों पर, क्योंकि असल उद्देश्य अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है और आजकल विरोध इसकी प्राथमिक इकाई बन चुका है। जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण कानून को लेकर भी यही हाल है। दरअसल मध्य प्रदेश में पिछले 10 वर्षों के बीच लगभग 25 करोड़ की जनसंख्या वृद्धि हुई है। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर यही रफ्तार रही तो अगले 5 साल में हम 10 करोड़ का आंकड़ा छू लेंगे। इस समय प्रदेश की जनसंख्या 8,45,00,000 हो चुकी है। आइए पहले इससे संबंधित कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश की जनसंख्या 8,45,00,000, हर साल 15,00,000 की बढ़ोतरी, बुजुर्गों और महिलाओं की संख्या बढ़ी, 48.4% महिलाएं जबकि पुरुष 51.6%, महिलाओं की संख्या 2011 से 0.4% ज्यादा। 1921 में भोपाल की आबादी 1,40,000, अब भोपाल की आबादी 21,00,000। देश में 6वें स्थान पर मध्य प्रदेश। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण पर हम सबको ध्यान देना चाहिए। इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को तकलीफ में ना डालें, और उसके लिए जरूरी है कि जनसंख्या पर नियंत्रण जरूर होना चाहिए, और उसके लिए जरूरी है कि उसका दोहन करने वाले, उसका उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी नियंत्रित रहे। इसलिए निश्चित रूप से हम सबको ये संकल्प जरूर लेना चाहिए कि हम जनसंख्या नियंत्रण में जरूर अपना योगदान देंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि उनकी सरकार में 2001 में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया गया था, लेकिन बीजेपी की सरकार ने 2005 में कानून को रद्द कर दिया। ये सब पुरानी बातें हैं। कांग्रेस पार्टी 2001 में मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत कर चुकी थी और ये कानून हमने लागू किया था। इस कानून को 2005 में शिवराज सिंह सरकार ने उलट दिया। तो ये तो जो है मौके चौके पे नए नए मुखौटे धारण कर लेते हैं। जो कानून मध्य प्रदेश सबसे पहले लागू करने वाला कानून था, हमने तो इसमें कई प्रतिनिधियों का जो है चुनाव रद्द करा इस कानून के अंतर्गत, तो उसको रद्द करने वाले तो ये बीजेपी वाले थे। जनसंख्या नियंत्रण कानून गंभीर विषय है, हालांकि अब इस विषय पर एक बहस की शुरुआत हो चुकी है। यूपी सरकार ने एक दिन पहले ही जनसंख्या की नई नीति पेश की है जिसमें कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या एमपी सरकार प्रदेश में जनसंख्या विस्फोट को रोकने कोई नई नीति लाएगी, जैसा यूपी में लव जिहाद कानून लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में उसका अनुसरण किया था। आकर्ष शर्मा, बंसल।